हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड 2021 दसवीं बारहवीं के लिए 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, और 30 सितंबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। जी हाँ, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इस दौरान कोर्ट ने बोर्ड से कि वह छात्रों को बताए कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी रिजल्ट, अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जारी रिजल्ट में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स कम हुए हैं। दरअसल आंतरिक मूल्यांकन में स्टूडेंट्स के पिछले 3 सालों के मार्क्स के औसत के आधार पर नंबर तय किए गए हैं। इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील आरपी गुप्ता ने कहा था कि इस क्राइटेरिया के कारण कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं। इसके अलावा वकील आरपी गुप्ता ने यह भी कहा था, स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम फीस के नाम पर 1500 रुपये लिए गए थे, लेकिन तमाम खर्चों के बाद भी सीबीएसई के पास करीब 200 करोड़ रुपए बचे हैं। ऐसे में फीस रिफंड ना करने की स्थिति में इस रकम का इस्तेमाल गरीब स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि बेंच ने उनकी इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और पत्राचार एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको बताया गया है। इसकी यहाँ देख सकते हैं 10 अगस्त को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। परीक्षा की डेटशीट भी इसी डेट के आसपास ही जारी की जाएगी। 25 अगस्त को परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। अब 15 सितंबर को जो परीक्षाएं हैं 15 सितंबर तक वो समाप्त हो जाएंगी। 30 सितंबर तक जो रिज़ल्ट है वो जारी होने की तारीख जो है उसकी घोषित की जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।